सबसे पहला टॉपिक आपका है बाल विकास एवं उसका अधिगम से संबंध। बाल शब्द का मतलब तो आप समझते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि बाल मतलब शिशु या नवजात शिशु और उसकी अवस्थाओं का भी अपन चार हिस्सों में डिवाइड जीन ब्याजी ने किया था। इसके अलावा तीन अवस्थाएं बाल्यावस्था के पहले शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ये तीन अवस्थाएं देखी थी। ये अवस्थाएं बालक के बारे में आपने पढ़ा, पर दूसरा शब्द जो है विकास, इसका क्या मतलब है? क्या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा कि विकास की परिभाषा क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभिवृद्धि या विकास इन दोनों का मामला है। पहले तो हम ये समझें अभिवृद्धि का मतलब क्या है, विकास। तो अभिवृद्धि से तो आप समझते हैं कि बढ़ना, विकास का मतलब भी बढ़ना है, उन्नति है, किसी के जीवन की उन्नति, करियर में उन्नति। तो यहाँ मतलब क्या दिया जा रहा है? सबसे पहले तो हम इन दोनों का अंतर करना सीखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की परिभाषा क्या है। तो विकास में अभिवृद्धि समाहित हो जाती है। मतलब क्या है, विकास एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर अभिवृद्धि भी है, पर अभिवृद्धि की परिभाषा अलग है, विकास की अलग है। दूसरा, अभिवृद्धि निश्चित आयु तक होती है। अभिवृद्धि जो है निश्चित आयु तक होती है, पर विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। इसके साथ अभिवृद्धि देखी या मापी जा सकती है, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, अभिवृद्धि हो रही है, मापी जा सकती है, देख सकते हैं, पर विकास, परंतु विकास नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया शिशु का आकार बढ़ना अभिवृद्धि, जैसे वो पहले 50 इंच का था या कितने इंच का था, फिर वो आगे जाके और बढ़ गया, तो जो बढ़ रहा है दिख रहा है वो अभिवृद्धि है, परंतु हड्डियों का कड़ा होना, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, वो आपको बढ़ती हुई तो नहीं दिख रही है, तो ये विकास है। विकास समग्र और बड़ा, बहुत बड़ा शब्द है। विकास के अंदर अभिवृद्धि समानित है। अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मुझे लगता है कि आपने ये कहीं पढ़े होंगे, विकास के थॉर्नडाइक का सिद्धांत, एस्किनर का सिद्धांत, उन्होंने पर्सनल कुत्ते बिल्ली और चूहों पर खोज करके जो नियम बनाए वो अलग है। ये विकास के सिद्धांत का विकास किस तरीके से काम करता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास का क्या अर्थ है, आपकी इस शिक्षा शास्त्र में विकास का क्या मतलब है, इन सिद्धांतों से हम समझेंगे। 10 सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, मतलब बालक में विकास लागू कैसे होता है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये 10 विकास हैं। तो मैं एक एक को ले रहा हूं आपको। सबसे पहले जैसे आ रहा है आपका, सबसे पहले है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या मतलब इसका, विकास की प्रक्रिया अविराम निरंतर गति से चलती रहती है। मतलब ये है, परंतु यह कभी तीव्र या कभी गति होगी, जिसका जन्म हुआ वो मृत्यु पर्यंत उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, इसी का नाम विकास है। कभी वह तीव्र होता है, जैसे सहज अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, धीरे धीरे बाल्यावस्था में कम हो जाती है, ठीक है, पर एक निश्चित आयु तक बच्चे की आयु जो होती है एज बढ़ती है, फिर उसके बाद उसकी जो लंबाई वो नहीं बढ़ती है, परंतु और जगह वो फैलता है, जैसे बुढ़ापे में तौल निकलती है या फिर कुछ लोगों की झुर्रियां आ जाती है, कमजोर भी होने लगती है। विकास का मतलब केवल बढ़ना ही नहीं है यहाँ, विकास का मतलब बदलना है, ठीक है। फलस्वरूप शरीर में कई आकस्मिक परिवर्तन होते हैं विकास के कारण से। तो निरंतरता का विकास जो सिद्धांत, इसका मतलब निरंतर कुछ ना कुछ शरीर में होते रहता है और उस शरीर के अनुसार फिर पढ़ाने वाले को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अब अगला जो नाम है विकास विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास विभिन्न गति, गति से मतलब यहाँ ये जो विभिन्न व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है वो उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ रही है और दूसरा व्यक्ति जो है उसकी जीन अलग है तो उसकी लंबाई अलग तरीके से बढ़ रही है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और समय लंबा होता है। जैसे लड़कियों की हाइट जो है बाल्यावस्था में ज्यादा गति से बढ़ती है जबकि लड़कों की नहीं बढ़ती है, तो इनकी अलग अलग गतियां होती है। व्यक्ति की आयु के अनुसार भी विकास की गति में अंतर पड़ता है। अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसका विकास थोड़ा अलग गति से होगा, 3 साल का बच्चा है तो उसका विकास थोड़ा तीव्र गति से होगा, क्योंकि सहज अवस्था में जैसे अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है आयु से, ठीक है। अब अगला अपना आया चित्र के माध्यम से देखते हैं कि विकास कैसे काम करता है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। देखना, जैसे 2 सप्ताह में भ्रूणावस्था में हुआ, फिर उसके बाद 8 सप्ताह में गर्भावस्था में आया, 10 सप्ताह धड़ का विस्तार हुआ, ये तो आपको ये दिखा जा रहा है कि गर्भावस्था के बाद की कंडीशन अपन देखते हैं, ये जन्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि कोर्स में जन्म से आएगा। इसके बाद क्या हुआ, 4 सप्ताह में आंखों पर नियंत्रण आ रहा था, मतलब यहाँ तक उसने अपने विकास कर लिया कि वो आंखों को अपनी इच्छा के अनुसार पलक झपका सकता है। 16 सप्ताह में सिर का संतुलन, 16 सप्ताह में वो अपने सिर को मैनेज कर सकता है कि मुझे अपना सिर किस तरफ घुमाना है बहुत अच्छे से।
28 सप्ताह हाथों से पकड़ने की चेष्टा करना, जब वो 28 सप्ताह का हो जाता है तो कोई वस्तु उसके सामने भेजा होगी तो वो पकड़ने की कोशिश करेगा उसे। 40 सप्ताह में वो बैठना सीख जाता है, क्रमल मतलब रहने लगता है। 12 माह में वो खड़ा मतलब एक साल में वो खड़ा हो सकता है अपने आप में। 18 माह में चल लेता है, शब्द व शब्द समूह बोल लेता है, कुछ शब्द को बोल लेता है 18 माह में, जबकि पहले ही साल मतलब एक साल होने के बाद वो माँ पाए छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है। 2 वर्ष आंतों पर नियंत्रण आ जाता है, 3 वर्ष वाक्य बोलने लगता है। यहाँ 1.5 महीने मतलब साल के एक साल बाद तो वो क्या बोलता है केवल छोटे छोटे शब्द, 3 वर्ष में वो वाक्य बोलने लगता है, 4 वर्ष में संख्या और आकार का ज्ञान उसे हो जाता है कि कौन सी वस्तु कितने बड़े आकार की और वो कितनी संख्या में है, इसका ज्ञान उसे 4 वर्ष में होता है। 5 वर्ष में सामाजिकता व किंडरगार्टन में पढ़ना मतलब वो दूसरे लोगों से भी मिलने लगता है और बात करने लगता है, किसमें 5वें वर्ष में। अब अपन देखते हैं विकास के एक सिद्धांत का नाम है विकास के क्रम का सिद्धांत। क्या मतलब इसका, इसमें बालक गांव और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है, मतलब पहले एक चीज आएगी उसके बाद दूसरी चीज आएगी। जैसे बालक जन्म के समय केवल रोना जानता है पर 3 माह बाद विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है, 6 माह में आनंद की ध्वनि करने लगता है, 7वें माह माता पिता के लिए माँ दा बोलने लगता है, 7वें माह मतलब साल के 1-2 महीने आगे पीछे ऐसी बात है, छोटे छोटे शब्द बोलेगा। अब देखो क्रम का सिद्धांत का मतलब यही है कि वो जन्म से मान ही बोलेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, जन्म के समय जैसे बालक जन्म के समय केवल रोना जानता और कुछ नहीं आता उसे, पर 3 माह बाद वो थोड़ी रोने के अलावा दूसरी ध्वनि भी निकालने लगता है, 6 माह में वो प्रसन्न होने की ध्वनि निकाल सकता है, तो एक क्रम से होता है। इसके बाद अगला सिद्धांत क्या है विकास का, एक दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा में होता है। जैसे आदमी की जो लंबाई बढ़ती है वो लंबाई खड़े में बढ़ती है, चौड़े में नहीं बढ़ती है, जितनी लंबाई खड़े में बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर ये है तो पैर की ओर मतलब लंबाई में होता है। जैसे जन्म के समय बालक केवल सिर उठा पाता है, सिर को हिला सकता है, 3 माह बाद नेत्रों की गति पर नियंत्रण हम देख ही चुके थे मतलब दिशा में होता है, 6 माह बाद हाथों पर नियंत्रण होता है। एकीकरण का सिद्धांत इसको समझते बहुत खास है, ये आता भी है परीक्षा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों पर फिर अंग के भागों पर मतलब जो जन्म का हुआ नवजात शिशु होता है पहले वो पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर बाद में वो हाथ की उंगलियां ऐसे चलाना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, मतलब संबंध का मानसिक संवेदनात्मक और शारीरिक और भी है कई सामाजिक, इन सब का विकास एक साथ होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का रुचियां और व्यवहार भी बदलती हैं या उनमें परिवर्तन होते हैं, उनका विकास होता है। अगला सिद्धांत व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, क्या मतलब इसका, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक या बालिका के विकास का स्वरूप अलग अलग होता है, एक ही आयु के 2 बालक व बालिका का शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास अलग अलग होता है। समान आयु पर इसका विकास अलग तरीके से होगा, उसका विकास अलग तरीके से होगा। अगला देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, क्या मतलब है इसका, प्रत्येक जाति चाहे वह जाति हो पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करता है। जैसे चाइनीज व्यक्ति है तो वो चाइनीज के और अन्य जो व्यक्ति उन्हीं के अनुसार दिखेगा, इंडियन व्यक्ति के अनुसार उसका विकास नहीं होता है। जैसे गाय गाय के जैसे ही विकास करेगी अगर वो बछड़े को जन्म देगा तो, मानव के लिए जैसे विकास नहीं करेगा, मतलब अपनी समान प्रतिमान समान जाति के जैसा ही उसका विकास होता है, गाय हाथी नहीं बन सकती है, ये मतलब है। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ये क्या मतलब है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की होता की ओर होता है, मतलब पहले सामान्य होता है फिर विशेष। क्या मतलब, शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व मतलब उंगलियां हिलाने से पूर्व या पूरा हाथ हिलाने से पूर्व क्या करता है, अपने शरीर का संचालन करता है, पहले वो शरीर को थोड़ा फिर बड़े हाथ को हिलाना सीखता है, फिर कहीं उंगलियों पर आता है, मतलब सामान्य पहले पूरा शरीर या हाथ फिर विशिष्ट मतलब उंगलियों पर उसका नियंत्रण आता है, एक सामान्य। अगला आया वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये खास तौर पर इसको ध्यान देना, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। बालक का केवल वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता और न ही केवल वातावरण का प्रभाव होता है, वातावरण से भी सीखता है और वंशानुक्रम से भी सीखता है। तो ये 10 सिद्धांत हमने सीखे विकास के,
इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है कि बच्चे को कौन सी तरीके से सिखाना है, किस बच्चे पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा, और फिर उस सिद्धांत लागू करने के बाद उसको कौन सी विधियां आपको पढ़ाने में लेनी है। क्वेश्चन विकास से नहीं आएगा, क्वेश्चन बाल से नहीं आएगा, पर बाल विकास और अधिगम मतलब पढ़ाने या सीखने में संबंध क्या है, संबंध से प्रश्न आएंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले विकास के सिद्धांत समझे, बालक को समझे, अगली बार हम शिशु के बाद अधिगम को भी समझेंगे कि उनको सिखाना कैसे है, फिर अगले वीडियो में हम संबंध जोड़ना सीखेंगे। धन्यवाद।